सो हे व्हाट्सअप गाइज, आज की स्टूडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं एनालाइजिंग स्पीच एंड लैंग्वेज गूगल एपीआई चैलेंज लैब का। तो यार यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करना है, इन कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना, यूजर नेम लिखा जाएगा एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड पेस्ट करना, एंटर दबा देना। फिर यहाँ से आपको अपने एपीआई सर्विसेज पे अपना माउस ले जाना है, इधर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। जैसे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करोगे इसे लोड हो जाने देना एक बार कम्प्लीटली, इधर क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना, एपीआई की पे क्लिक कर देना, इधर से आपकी एपीआई की को कॉपी कर लेना एंड एक कोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपको इस कोड की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, देन इसको जो है मिनिमाइज कर दो आप एंड इसको नॉर्मली क्लोज कर सकते हो। देन अगेन इन तीन लाइनों पे क्लिक करना एंड इधर से कंप्यूटर इंजन पे विजिट करना, देन इधर नॉर्मली एसएसएस पे क्लिक कर देना। यहाँ से इनका एसएसएस सेल जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, तो इसे एक बार कनेक्ट हो जाने देना। मेनली इसके ऊपर एसएसएस में ही वर्क करना, क्योंकि मैंने क्लाउड में भी करके देखा था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। सो एसएसएस पे ही वर्क करना, अगेन यहाँ पे आ जाना तब तक जब तक ये ओपन हो रहा है। यहाँ से आके जो इधर से आपकी एक्सपोर्ट एपीआई को कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद जो इसे एक बार ऑन हो जाने दो कम्प्लीटली। सो ये हमारा ओपन हो चुका है एसएसएस, इधर आके इसको पेस्ट करना, एंटर दबा देना, अगेन बैक जाना। बैक जाने के बाद जो है आपको ये नैनो रिक्वेस्ट NI.json पे क्लिक करना है, देन इधर आना है, पेस्ट करना, एंटर दबाना, एक आपकी नैनो फाइल ओपन हो जाएगी। अगेन आपको जो है बैक आ जाना है लैब पे, सीधे टास्क टू पे क्लिक करना, टास्क टू पे आने के बाद आपको अली फाइल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको इधर आ जाना है एंड इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इधर कंट्रोल एक्स वाई एंड एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, कंट्रोल एक्स वाई एंड एंटर, ठीक है। अगेन इधर आ जाना, इधर आने के बाद जो है आपको नॉर्मली इसको कॉपी कर लेना है। तो यार ये ध्यान से देख के कॉपी कर लेना, तो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना, अगेन जो है हमें बैक आ जाना है एंड इसके बाद जो है हमें अगेन इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है हमें इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे एंड इधर आने के बाद आपको जो है इसको कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ध्यान से कॉपी करना। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, अगेन कंट्रोल एक्स वाई एंड एंटर, ठीक है। अगेन मैं बैक आ जाता हूँ एंड इधर से जो है हमें याली कमांड को जो है कॉपी कर लेना है। तो यार कॉपी देख के कर लेना, एक सेकेंड, थोड़ा सा जल्दी नीचे स्क्रॉल हो गया। तो यार याली कमांड को यहाँ तक कॉपी कर लेना, अगेन इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, अगेन जो है बैक जाना एंड याली कमांड को जो है आपको कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन जो है बैक आ जाना, देन आपको जो है इधर से इस कमांड को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है हमें इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, अगेन जो है हमें इधर आ जाना है, देन इधर से जो है आपको इसको कॉपी कर लेना है, देन यहाँ से लेकर आपको नीचे EOF तक कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, अगेन हम इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर दबाओगे आपका जो कोई ऐसा दिख हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद जो है आपको इसको कॉपी कर लेना है, देन इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना, अगेन स्क्रॉल करना, नीचे जाना एंड इन तीन कमांडों को एक साथ कॉपी कर लेना एंड इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ठीक है। तो जैसे ये करोगे आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन जो है बैक आ जाना एंड इधर आके जो है टास्क वन पे क्लिक कर देना, सेकंड प्रेस पे क्लिक करोगे ये वाला जो टास्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। टास्क टू पे चलना, नीचे स्क्रॉल करना एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसको भी सेकंड प्रेस पे क्लिक करना है, ये वाला जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। देन टास्क थ्री की ओर चलना एंड इस पर भी सेकंड प्रेस पे क्लिक कर देना, ये वाला जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन टास्क फोर की तरफ चलना एंड इस पर भी चेक में ब्रश पे क्लिक करना, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप इट्स लगी कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।